अर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर 5 में हम क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 5.2 का स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन है, इंटीग्रेट द फंक्शन फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2। फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू पाई नेचुरल लॉग ऑफ 2। थीटा के लिहाज से आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 है और इक्वल इसको प्रूव करना है पाई नेचुरल लॉग ऑफ 2 के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आई एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रेट द फंक्शन 0 से पाई बाई 2 और फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, इंटीग्रेट करना है थीटा के लिहाज से। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा को साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा डी थीटा। 0 से पाई बाय 2 है लिमिट, नेचुरल लॉग ऑफ इसका अगर हम एलसीएम करें तो एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो लिमिट 0 से पाई बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर क्या आएगा, 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। फिर यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी होती है नेचुरल लॉग ऑफ ए ओवर बी, इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी। तो इस पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने लगा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट द लिमिट 0 से पाई बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साथ ये डी थीटा। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, ये सारा 0 हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 0 से पाई बाई 2 और ये माइनस 0 में आ जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। फिर एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है नेचुरल लॉग ऑफ ए बी, हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी। तो ये बन जाएगा माइनस 0 से पाई बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस 0 से पाई बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, माइनस 0 से पाई बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस। यहाँ पे मैं रिजल्ट यूज़ करने लगा हूँ एक थ्योरम का, बार बार हम क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकता हूँ अपर लिमिट माइनस थीटा डी थीटा, सेम रिजल्ट आता है फंक्शन का वही। तो माइनस 0 से पाई बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा माइनस 0 से पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 है मतलब पाई बाई 2 90 के इक्वल होता है, 90 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 90, 90 का साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर 8 है तो लिहाजा कॉस अपनी को रेशो में चेंज होगा यानी साइन एंगल आ जाएगा, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए माइनस ही रहेगा डी थीटा। दोनों सेम फंक्शन बन गए हैं तो हम इनको लिख सकते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा और ये 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, लिमिट है 0 से पाई बाई 2 और नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे एक रिजल्ट यूज होगा, अगर लिमिट हो फंक्शन की 0 से पाई बाई 2 और फंक्शन हो नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ये इक्वल होता है माइनस पाई बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 के इक्वल होता है। अगर ये आपको रिजल्ट याद नहीं तो आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस 2 और ये 0 से पाई बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस पाई बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा पाई नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो यही हमने प्रूव करना था, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पाई नेचुरल लॉग ऑफ 2 के इक्वल हमने प्रूव करना था तो ये हमने प्रूव कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, उसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 20 है एक्स एक्स नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा सॉरी साइन एक्स डी एक्स
साइन एक्स डी ऑफ एक्स और लिमिट है 0 से पाई, ठीक है। एक्स नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है, और इक्वल हमने इसको प्रूव करना है पाई स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर 2 के इक्वल हमने इसको शो करवाना है। स्टार्ट करते हैं, आई इज इक्वल टू 0 से पाई है लिमिट एक्स नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स डी ऑफ एक्स, वही थ्योरम की स्टेटमेंट यूज करने लगा हूँ। हम इसको यहाँ पे x को रिप्लेस कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस x के साथ और नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई माइनस x डी ऑफ x, तो यहाँ से ये बन जाएगा पाई माइनस x और नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई, पाई होता है 180, 180 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90, तो 2 एक इवन नंबर है मल्टीप्लाई होने वाला, तो लिहाजा साइन साइन ही रहेगा, को रेशो में चेंज नहीं होगा, एंगल एक्स आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, डी ऑफ एक्स 0 से पाई है लिमिट। अब इसको अलहदा अलहदा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू पाई, कांस्टेंट है शुरू में आ जाएगा, बाकी आ जाएगा 0 से पाई लिमिट और नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स डी ऑफ एक्स, और साथ आ जाएगा माइनस, इस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 से पाई है लिमिट एक्स नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स और डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक मैं रिजल्ट यूज करने लगा हूँ, आपको पता है कि अगर ये तो बन जाएगा ना आई इक्वल टू पाई 0 से पाई नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स डी ऑफ एक्स और माइनस का आई, इधर आके ये आई प्लस आई इज इक्वल टू पाई और साथ। अगर आपका फंक्शन ऐसे हो, क्या हो फंक्शन के एफ ऑफ 2a यानी 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो फिर हम लिख सकते हैं 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 0 से a एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, यानी अगर आपका फंक्शन ये वैल्यू दे रहा है कि अगर आप अपने फंक्शन में अपर लिमिट में से वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करें तो दोबारा आपको आपके पास वही फंक्शन आ रहा है, तो फिर आप गिवन फंक्शन की लिमिट्स को ऐसे लिख सकते हैं 0 से 2a इक्वल टू उसका जो हाफ है वो आप शुरू में लिख लें, ठीक है, 2 शुरू में लिख लें और बाकी लिमिट्स का हाफ बाद में लिख लें, तो ये रिजल्ट यूज करें। हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स ये है हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स के साथ तो ये दोबारा एफ ऑफ एक्स आंसर देता है। अभी हमने ये देखा है कि नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स आंसर क्या देता है, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, गिवन फंक्शन दोबारा दे देता है एफ ऑफ एक्स आंसर दे रहा है, तो लिहाजा हम इसकी लिमिट्स को ऐसे इसकी पार्टीशन कर सकते हैं, तो 2 यहां पे आ जाएगा और लिमिट बन जाएगी 0 से पाई बाई 2 और नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स डी ऑफ एक्स। तो अभी हमने जो एक रिजल्ट यूज किया है कि 0 से पाई बाई 2 अगर लिमिट हो और फंक्शन हो नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स डी ऑफ एक्स, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 के इक्वल हम उसको लिख सकते हैं। तो यहां से देखें, एक तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और बाकी बच रहा है माइनस पाई स्क्वायर, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर और नेचुरल लॉग ऑफ 2। लॉग की प्रॉपर्टी होती है नेचुरल लॉग ऑफ a पावर b है, तो हम पावर को शुरू में लिख सकते हैं, अगर शुरू में लिख सकते हैं तो इस पावर को दोबारा यहां पे भी लिख सकते हैं, तो ये माइनस का 1 मैं वहां पे जाके लिख रहा हूं, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर 2, ये 1 ओवर 2। तो यही हमने प्रूव करना था, हमारा प्रूव था कि पाई स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर 2 के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है, आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर 2 के इक्वल। ये था क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर 21 की स्टेटमेंट है, इंटीग्रेट द फंक्शन फ्रॉम लिमिट 0 टू 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, इक्वल दिखाना है पाई और 8 नेचुरल लॉग ऑफ 2 के। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, आई इज इक्वल टू फंक्शन है लिमिट्स है फ्रॉम 0 टू 1 और फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। इसकी मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन करने लगा हूं, लेट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है, इसका डिफरेंशियल करें तो dx इसके इक्वल आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब ये लिमिट्स x के लिहाज से हैं, अब हमारा फंक्शन वेरिएबल थीटा में कन्वर्ट हो चुका है, तो थीटा के लिहाज से इसकी लिमिट्स भी बना लें,
तो व्हेन एक्स अप्रोचेस टू वन देन थीटा अप्रोचेस टू, अगर हम यहाँ पे वन रखें तो टेंजेंट वन क्या आंसर देगा? जी तो x की जगह x अप्रोच अगर 1 को करे तो थीटा किसको अप्रोच करेगा? यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, तो यहाँ से थीटा किसको अप्रोच करेगा? पाई बाई 4 को, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई बाई 4, ठीक है। और जब x अप्रोच करेगा 0 को, 0 को अप्रोच करेगा तो थीटा किसको अप्रोच करेगा? थीटा भी 0 को अप्रोच करेगा। तो अब हमारा फंक्शन क्या बन गया है? I इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 4 और नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और dx सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 लिमिट, सॉरी पाई बाई 4, और ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर होता है, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बात जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा। तो बार बार हम रिजल्ट यूज करते आ रहे हैं कि हम अपर लिमिट को वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 4 और नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा और साथ ये डी थीटा, ठीक है। अब इसको देखें, ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 4 और नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे एक रिजल्ट यूज करने लगा हूँ, फंडामेंटल लॉ है, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। तो ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फा की जगह है पाई बाई 4 और माइनस बीटा की जगह है टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 और साथ टेंजेंट थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 4 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 होता है 1 के इक्वल, ये बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा डी थीटा। एलसीएम करेंगे तो 0 से पाई बाई 4 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा और साथ 1 माइनस टेंजेंट थीटा और एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा डी थीटा। यहाँ से टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा हो जाएगा कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा? 0 से पाई बाई 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा डी थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी की मदद से, 0 से पाई बाई 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 डी थीटा माइनस 0 से पाई बाई 4 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा और डी थीटा। अब ये सारा किसके इक्वल है? 0 से पाई बाई 4 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा। यहाँ पे देखें, जब हमने वैल्यू पुट कर दी थी तो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद ये आई के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे ये सारा क्या हो जाएगा? आई इस साइड पे आ जाएगा आई, तो ये हो जाएगा 2i और इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 एक कॉन्स्टेंट है शुरू में आ जाएगा, बाकी इंटीग्रेट होगा फंक्शन 0 से पाई बाई 4 और डी थीटा। तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू थीटा लिमिट 0 टू पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 और अपर लिमिट पाई बाई 4 और साथ लोअर लिमिट है 0, तो ये पाई बाई 2 और साथ ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 और ये पाई बाई 2, ठीक है। ये 2 इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पाई बाई हो जाएगा 4, तो यही हमने प्रूव करना था पाई बाई 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 के इक्वल, तो ये आई आंसर आ गया, ठीक है।
आज का लेक्चर जहाँ तक था, नेक्स्ट लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे।